सभी छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 10वीं में CBSE की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, और इसमें आज हम बात करेंगे हिंदी आ कोड 002 यानी कि कक्षा 10वीं के छात्र जो 29 फरवरी को हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं 2020 में, वह इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं CBSE के नए पैटर्न के अनुसार आपका पेपर किस तरह से आएगा, साथ ही हम CBSE के पुराने पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे और CBSE के नए पैटर्न के इस पेपर के बारे में भी हम पूरा आपको बताएंगे कि यह पेपर किस तरह से आपको करना है। तो इसलिए यह वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। हम इसके सभी भागों पर चर्चा करेंगे, आपको कैसे आंसर लिखने हैं आंसर लिखकर भी हम आपको बताएंगे, और बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम में नंबर कहाँ कटते हैं, बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर कहाँ कटते हैं, कहाँ आपसे गलती सबसे ज़्यादा होती है, और यदि आप हमारे बताए अनुसार अपने एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही आप हिंदी में 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स में से आप 80 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे CBSE के नए पैटर्न के ऊपर, जो आपका 29 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है वह किस तरह से आएगा। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपठित गद्यांश आएगा जो कि 10 नंबर का होगा। इससे पहले अपठित गद्यांश आता था जो कि 8 नंबर का होता था, लेकिन इस बार यहाँ पे अपठित गद्यांश 10 नंबर का आएगा, जिसमें कि दो दो नंबर के 4 सवाल आएंगे और एक एक नंबर के 2 सवाल आएंगे। इस तरह से 10 नंबर का अपठित गद्यांश हो गया। पुराने CBSE पैटर्न में अपठित पद्यांश या काव्यखंड भी 7 नंबर का आता था, जो कि यहाँ पे हटा दिया गया है पूरी तरह से। इसके बाद यहाँ पे व्याकरण दिया गया है जो कि टोटल 16 नंबर का है, जबकि पुराने पैटर्न में यह 15 नंबर का पूछा जाता था। तो इस बार पुराने पैटर्न के हिसाब से नहीं आएगा, नए पैटर्न के हिसाब से आपका 4 नंबर का आपका वाक्य आएगा, 4 नंबर का वाच्य, 4 नंबर का आपका पद परिचय, 4 नंबर का रस, तो इस तरह से 16 नंबर का आपका व्यावहारिक व्याकरण आएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे खंड गा में, जिसमें सबसे पहले है पठित गद्यांश। नए पैटर्न के हिसाब से यह 6 नंबर का आएगा, यानी दो दो नंबर के आपके 3 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, जबकि पुराने CBSE पैटर्न में पठित गद्यांश 5 नंबर का आता था, जिसमें कि दो नंबर के 2 सवाल और 1 नंबर का 1 सवाल। तो इस तरह से यहाँ पे 1 नंबर की बढ़ोतरी कर दी गई है। उसके बाद आपके गद्य खंड से दो दो नंबर के 4 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से 8 नंबर का आपका गद्य खंड हो गया। अब बात करते हैं काव्यखंड, क्षितिज के काव्यखंड में यहाँ पे कविता का एक भाग दिया हुआ है, काव्यांश दिया गया है, जो कि यहाँ पे 6 नंबर का है और दो दो नंबर के यहाँ पे 3 सवाल होंगे, जबकि CBSE के पुराने पैटर्न में यह 5 नंबर का आता था, जिसमें कि दो दो नंबर के 2 सवाल और 1 नंबर का 1 सवाल, यानी 1 नंबर की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद बात करेंगे क्षितिज के पद्यखंड में,
जिसमें से आपको किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे पांच प्रश्न आपको दिए जाएंगे और यहाँ पर भी दो दो नंबर के चार सवाल, यानी कि आठ नंबर का आपका काव्यखंड से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। बात करेंगे दसवें प्रश्न की, जो कि आपके कृतिका से आएगा। इसमें आपके दो प्रश्न आपको करने होंगे। यहाँ पे तीन प्रश्न आपको दिए जाएंगे CBSE में और इसमें आपको दो प्रश्न तीन तीन नंबर के होंगे, तो यहाँ पे छः नंबर का पूछा जाएगा। जबकि पुराने पैटर्न में CBSE के चार नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाता था या फिर दो दो नंबर के दो प्रश्न पूछे जाते थे, तो यहाँ पे दो नंबर की बढ़ोतरी की गई है। खंडघ में निबंध की बात करते हैं, तो निबंध यथा स्थित है, यानी कि जैसे पहले पूछा जाता था वैसे ही पूछा गया है। आपको तीन निबंध दिए गए हैं और तीनों में से आपको कोई एक करना है। पत्र भी आपको एक करना है दो में से। बात करें विज्ञापन लेखन की, तो यहाँ पे आपको विज्ञापन लेखन पांच नंबर का आएगा, जो कि पहले के अनुसार ही आपको कोई भी एक विज्ञापन लेखन करना है। हम बात करेंगे विज्ञापन लेखन, निबंध, पत्र, प्रश्न उत्तर आपको कैसे लिखने हैं, ये सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम CBSE के पुराने पेपर को आपको दिखाते हैं और उसमें ये बताएंगे कि नए पैटर्न में कहाँ कहाँ बदलाव हुआ है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए देखते हैं CBSE का एक पुराना प्रश्न पत्र। देखिए अब हम आ चुके हैं CBSE के पुराने प्रश्न पत्र को लेकर। इसमें देखिए कहाँ कहाँ बदलाव हुआ है, आपको हमने पहले ही बता दिया। CBSE में पुराने पेपर में अपठित गद्यांश आठ नंबर का पूछा जाता था। उसके बाद इसके प्रश्न है ये। उसके बाद काव्यांश सात नंबर का पूछा जाता था, जो कि नए पैटर्न में नहीं पूछा जा रहा है, तो इससे कई छात्रों को आसानी होगी पेपर को करने में, क्योंकि बहुत से छात्र पद्यांश को सही नहीं कर पाते हैं। रही बात व्याकरण की, तो नए पैटर्न में 16 नंबर का पूछा जा रहा है और पुराने में 15 नंबर का पूछा जाता था। यहाँ पे वाक्य की बात करें, तो यहाँ पे चार नंबर का वाक्य पूछा जाएगा, लेकिन पुराने पैटर्न में यहाँ पे तीन नंबर का ही वाक्य पूछा गया है। बाकी चार नंबर का वाच्य, रस और पद परिचय पूछा जाएगा या पूछा जा रहा था। रही बात खंडगा में, तो यहाँ पे पहले पठित गद्यांश, जो कि पांच नंबर का पूछा जाता था, हमने आपको बताया है, दो दो नंबर के दो सवाल और एक नंबर का एक सवाल, लेकिन नए पैटर्न में दो दो नंबर के तीन सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न उत्तर पहले की तरह पूछे जाएंगे, दो दो नंबर के चार सवाल। बात करें काव्यांश की, तो पहले पांच नंबर का पूछा जाता था, दो दो नंबर के दो सवाल और एक नंबर का एक सवाल, नए पैटर्न में छह नंबर का आपको पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको दो दो नंबर के तीन सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे क्षितिज के काव्यांश के प्रश्नोत्तरों की या काव्यखंड के प्रश्नोत्तरों की, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, दो दो नंबर के चार सवाल आपको करने हैं। बात करें कृतिका के प्रश्नोत्तरों की, तो नए पैटर्न में आपको दो प्रश्न करने हैं तीन तीन नंबर के, जो कि छः मार्क्स का पूछा जा रहा है, लेकिन पुराने पैटर्न में चार ही नंबर का एक प्रश्न आपको करना होता था, तो यहाँ पे बदलाव CBSE के द्वारा किया गया है। बाकी निबंध और पत्र यथारूप है, यानी पहले की ही तरह आएंगे। यहाँ पे तीन निबंध दिए गए हैं, तीन में से आपको कोई एक करना है, पत्र और उसके बाद विज्ञापन लेखन। ये था CBSE का पुराना प्रश्न पत्र। अब हम फिर से CBSE के सैंपल पेपर की तरफ आपको ले चलते हैं और बताएंगे कि आपको कैसे करना है। चलिए अब बात करते हैं CBSE 2020 के सैंपल पेपर को कैसे आपको हल करना है, और ठीक इसी तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी परीक्षा को हल करना है, जैसे हम बता रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे खंड का की, इस पेपर में चार खंड हैं,
सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और यथा संभव प्रत्येक खंड के उत्तर आपको सीक्वेंस में क्रम से लिखने हैं। एक अंक के लिए आपको 15 से 20 शब्द लिखने हैं। दो अंक के प्रश्न के लिए आपको कम से कम 30 से 40 शब्द लिखने हैं और जहां पे 3 अंक का होगा वहां पे 60 से 70 शब्द आपको लिखने हैं। सबसे पहले यहां पे अपठित गद्यांश है जो कि 10 नंबर का है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको बता दूं आप इस पेपर को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके आंसर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है। देखिए गद्यांश के हिसाब से सबसे पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की असफलता के कारण बताए जाते हैं क्यों। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है। इसका तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता और सार्थकता किस पर आधारित है। इसका चौथा प्रश्न पैसेज का, हम देश के लिए लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त करने हैं तो यहाँ पे आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आम आदमी की लोकतांत्रिक आस्थाएं कब डगमगाती हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको इसके आंसर कैसे लिखने हैं। पहला इसका उत्तर होगा पैसेज का, भारत में राजनीतिक दल अव्यवस्थित और अमर्यादित हैं, वे निष्ठा से संपन्न नहीं है। दूसरा प्रश्न था पैसेज का, उसका उत्तर होगा, लोकतंत्र का मूल तत्व लोक निष्ठा की अपेक्षा, लोक संपर्क की इच्छा तथा लोक के सुख दुख की अनुभूति है। इस पैसेज का तीसरा आंसर, लोकतंत्र की सार्थकता और सफलता का आधार नई दृष्टि, प्रेरणा, संवेदना, विवेक, संतुलन, संकल्प तथा समर्पण की वृत्ति है। पैसेज का चौथा प्रश्न का उत्तर होगा, हम अपने देश तथा लोकतंत्र के लिए नई दृष्टि, नई प्रेरणा, संवेदना, आत्मविश्वास, नया संकल्प तथा सर्वस्व का भाव स्वयं में उत्पन्न कर देश में नवजीवन का संचार कर सकते हैं। इस पैसेज का पांचवा सवाल, आम आदमी की लोकतांत्रिक आस्थाएं लोकतंत्र की गिरती मर्यादाओं के समक्ष व्यवस्था देखकर डगमगाने लगती हैं। इसका आंसर है, लोकतंत्र और आम आदमी या लोकतंत्र की सफलता, वे पैसेज का शीर्षक हो सकता है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। थोड़े प्रश्न के जो उत्तर हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन आपको आंसर को बिल्कुल सटीक लिखना होगा जिससे आपके नंबर ना कटें। अब बात करेंगे व्यावहारिक व्याकरण की। तो यहाँ पे 4 नंबर का वाक्य आपको पूछा गया। पहला है इसमें दूसरे प्रश्न का एक तुमने ही इस जादू पर विजय प्राप्त की है, वाक्य का भेद लिखना है आपको। तो यह होगा सरल वाक्य, एक मोटर कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, सभी विद्यार्थी कवि सम्मेलन में समय से पहुंचे और शांति से बैठे रहे। इसे मिश्र वाक्य में बदलना है, बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। रेखांकित उपवाक्य का भेद आपको बताना है। तो वाक्य आपको कैसे करने हैं, कैसे पहचानने हैं, कैसे बदलने हैं, इन सभी के लिए हमने वीडियोस बनाई हुई हैं जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वाक्य के सभी भेद, वाक्य रूपांतरण और उपवाक्य को कैसे पहचानें, कैसे बदलें, वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। अभी हम आपको इसके उत्तर बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। देखिए वाक्य का दूसरे का पहला सरल वाक्य था। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, एक मोटर कार उनके दुकान के सामने आई और रुक गई, ये इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन होगा। इसका तीसरा मिश्र में बदलना था, जब सभी विद्यार्थी कवि सम्मेलन में समय से पहुंचे तब वे शांति से बैठे रहे। और इसका चौथा उपवाक्य था, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो आपको इस तरह से आपको लिखना है, यानी कि जब आप एग्जाम में लिखें तो सीक्वेंस से लिखें। खंड का हमने पहले गद्यांश को किया, फिर खंड खा लिख करके उत्तर दो का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक एक लाइन को छोड़ना है जिससे कि अच्छा भी लगे और समझ में भी आए कि आपने कौन सा प्रश्न कहाँ पे कर रखा है। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 3, निर्देश अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं। पहला है, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया, इसे बदलना है कर्तृवाच्य में। जबकि अगर यहाँ पे पूछा जाता कि यह कौन सा वाक्य है, तो यह कर्म होगा, इसे कर्तृवाच्य में कैसे बदलना हम आपको बताएंगे। मेरे मित्र से चला नहीं जाता, इसे भी कर्तृवाच्य में बदलना है, जबकि यह भाववाच्य में है। अगर पूछा जाता कौन सा वाच्य है, तो यह भाववाच्य होगा, उनके सामने कौन बोल सकेगा, इसे भी भाववाच्य में बदलना है। भाई साहब ने मुझे पतंग दी, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो वाच्य के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको वाच्य बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो की लिंक पर जाकर के वाच्य को देख सकते हैं। वाच्य कैसे पहचानने हैं, वाच्य कैसे बदलने हैं, आप उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी हम इनके आंसर आपको बता रहे हैं कि आपने इनको कैसे लिखना है। तो वाच्य में सबसे पहले हमें बदलना था कर्तृवाच्य में, इसका आंसर होगा, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। दूसरा भी हमें कर्तृवाच्य में बदलना था, तो इसका आंसर होगा, मेरा मित्र चल नहीं सकता, उनके सामने किससे बोला जाएगा, ये तीसरे का आंसर। भाई साहब के द्वारा मुझे पतंग दी गई, इसको कर्मवाच्य में बदलना था। तो इस तरह से वाच्य के आंसर आपको लिखने हैं। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे है पद परिचय का। तो सुरेश, यदि मैं बीमार हो जाऊँ तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी, रेखांकित शब्दों का हमें पद परिचय देना है। व्याकरण की दृष्टि से वे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कर्ता है, एकवचन है, बहुवचन है, सब चीज़ों का हमें परिचय देना होता है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें CBSE के पुराने 5 वर्षों में पूछे गए पद परिचय का उत्तर और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी उदाहरण है, जिसको आप देख सकते हैं। अभी हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं कि आप कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सुरेश, मैं, घर की, रुक जाएगी, इन पदों का परिचय देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको पद परिचय लिखना है। सुरेश का पद परिचय हमें देना है इस तरह से, उत्तर 4 पहला करके। सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक होगा। दूसरा, मैं का यहाँ पे पद परिचय देना है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन, हो जाऊं क्रिया का कर्ता। घर की यहाँ पे जातिवाचक एक वचन, पुल्लिंग और संबंध कारक। रुक जाएगी अकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग एक वचन, भविष्यकाल और कर्तृवाच्य। अगला जो प्रश्न है खंड खा में, वह 5वां प्रश्न रस से संबंधित है, जो कि 4 नंबर का है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में हमें रस पहचानना है, इसको पढ़ करके हमें रस के बारे में बताना है। दूसरा यहाँ पे वीर रस का स्थाई भाव क्या है। उसके बाद तीसरा है, वह किस रस का स्थाई भाव है। और चौथा है, निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा स्थाई भाव है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखना है, वो भी हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन चौथा जो है, चशोमती हरिपाल ने झुलावे, यहाँ पे यशोदा कृष्ण को खिला रही है, तो उनके मन में वात्सल्य का भाव आ रहा है। तो यहाँ पे स्थाई भाव होगा पुत्र के प्रति प्रेम। वह किस रस का स्थाई भाव है, इसका भयानक रस होगा। वीर का स्थाई भाव है उत्साह। और पहला यहाँ पे श्रृंगार रस है। तो रस यदि आपको समझ में नहीं आते हैं, तो व्याकरण से संबंधित हमने रस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप समय निकाल करके रस की वीडियो को देख सकते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के रसों की वीडियो भी देख सकते हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको आपको आंसर कैसे लिखना है। तो 5वां प्रश्न आपको लिखना था, पंक्तियों को पहचान कर रस लिखना था, तो श्रृंगार रस। दूसरे में आपको वीर रस का स्थाई भाव उत्साह बताना था। वह स्थाई भाव भयानक रस का है। कविता की पंक्ति में कौन सा रस था, तो वहाँ पे वात्सल्य रस था, क्योंकि यशोदा कृष्ण को झुला रही हैं और कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे वात्सल्य रस या पुत्र के प्रति प्रेम भी आएगा। अगला खंड यहाँ पे गा खंड है।
जिसमें कि गद्यांश दिया गया है जो कि क्षितिज के गद्य खंड से बाल गोविंद भगत नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे दो दो नंबर के तीन प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है। दूसरा, लोगों को बाल गोविंद भगत की किस आदत पर आश्चर्य होता था तथा क्यों। बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर क्यों चलते थे। तो यहाँ पे आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है और आंसर को आपको सटीक लिखना होगा, शब्दों का भी ध्यान रखना होगा। तो आपको आंसर आपको दिखाते हैं कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ से खंड गा शुरू होता है, तो इस तरह से खंड गा में छठे का पहला का आंसर आप इस तरह से लिखना है, बाल गोविंद भगत का व्यवहार जैसा था, वे कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार करते, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते, उनके इसी व्यवहार के कारण उन्हें साधु कहा जाता था। तो पैसेज के हिसाब से ही आपको आंसर देना है और आंसर सटीक देना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत साधु प्रवृत्ति के थे, वे किसी भी चीज को छूते नहीं थे और न बिना पूछे व्यवहार में लाते, वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। इन नियमों का वे इतनी बारीकी से पालन करते कि लोगों को आश्चर्य होता था। इसका तीसरा प्रश्न का उत्तर, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उनके आदर्शों को अक्षरशः सही मानकर उस पर चलते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत कबीर की बातों को मान करके उनके आदर्शों पर ही चलते थे। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, सातवां प्रश्न, जिसमें कि पांच प्रश्न आपको दिए गए हैं गद्यखंड से, आपको कोई भी चार प्रश्न करने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हो। पहला प्रश्न है यहाँ पे, कोई नकारात्मक मनुष्य चश्मा बदलने की घटना पर कैसी प्रतिक्रिया कर सकता है। दूसरा, लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। इसका तीसरा प्रश्न, फटा सुर्नबक से लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, मतलब बताना है। चौथा प्रश्न, मन्नु भंडारी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, उनके किए गए कार्यों का ब्यौरा एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर दीजिए। और इसका आखिरी प्रश्न, बिस्मिल्ला खां को कौन कौन से सम्मान मिले, उनकी पहचान किस रूप में बनी रहेगी। इसके आंसर आपको कैसे लिखने, आपको आंसर बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो सातवें का जो का प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा, नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अच्छाइयों में भी बुराई खोज लेता है। नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलना ऐसे व्यक्ति के लिए मजाक का विषय हो सकता है। ऐसा व्यक्ति नेताजी को आधुनिक हीरो कहकर अपमानित भी कर सकता है, कैप्टन को पागल कहकर भी अपमानित कर सकता है। उसके दिमाग में यह बात भी आ सकती है कि कैप्टन अपने चश्मों की बिक्री बढ़ाने के लिए मूर्ति पर चश्मा चढ़ाकर विज्ञापन करता है। इसका दूसरा प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, फादर कामिल बुल्के मानवतावादी व्यक्ति थे, उनका शांत स्वभाव, गंभीर मुद्रा, चेहरे पर तेज, हृदय में करुणा और संवेदना ऐसे गुण थे जिनके आधार पर फादर को मानवता का अवतार समझा जाता था। उनके मन में बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह का भाव था। वे किसी के प्रति कटुता की भावना नहीं रखते, सभी के दुख सुख में जरूर शामिल होते। उनके सांत्वना के शब्दों से निराश लोगों के मन में आशा का संचार होता था। ऐसे कारणों से उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आपके एग्जाम में नंबर इसलिए भी कटते हैं क्योंकि आप आंसरों को पूरा नहीं लिखते हैं, उत्तरों को पूरा नहीं लिखते हैं। तो आपको एक तो उत्तर को बिल्कुल सटीक लिखना है और साथ ही पूरा भी लिखना है, भले वह कम शब्दों में हो। अगला प्रश्न यहाँ पे गा, जिसका उत्तर इस तरह से है, यह वाक्य बिस्मिल्ला खां के द्वारा तब कहा गया था
जब उनकी एक शिष्या ने यह बात कही थी कि आप भारत रत्न और इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी फटी लुंगियाँ पहनते हैं। इस पर खां साहब ने कहा, ये भारत रत्न हमको सेनाई पर मिला है, लुंगिया पे नहीं। मालिक से यही दुआ करते हैं कि फटा सुर न बख्से, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सुर ही वह रत्न है जिससे भारत रत्न की उपाधि या सम्मान मिला। वस्त्र आभूषण से व्यक्ति की पहचान नहीं बनती, लुंगिया की जगह सुरपटा हो तो उनकी पहचान नहीं बनती है, यानी कि उन्हें जो भारत रत्न मिला था उनकी आवाज़ पर मिला था, उनके कपड़ों पर नहीं मिला था। तो इसलिए यहाँ पे आपको इस तरह से आंसर लिखना है कि जिसमें पूरी बात आपके द्वारा कही गई हो, आंसर बिल्कुल सटीक हो। सातवें प्रश्न का घा का उत्तर इस तरह से होगा, अलग अलग दलों के लोग मन्नू भंडारी के घर आते, उनके पिता राजनीतिक बहसों में सक्रिय रूप से भाग लेते और मन्नू को अपने साथ बैठाते थे। कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का भी योगदान रहा, जिसके फलस्वरूप मन्नू घूम घूम कर हड़तालें करवाती, दुकानें बंद करवाती, नारे लगवाती, जुलूस में शामिल होती तथा शहर के चौराहे पर जोरदार भाषण देकर समाज में स्वतंत्रता की नई चेतना जगाती। तात्कालीन समाज में एक लड़की का इस तरह घर से बाहर निकलना, आंदोलनों में भाग लेना स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है, जिसके कारण भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। सातवें का ग का आंसर इस प्रकार होगा, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अनेक उपाधियां दी गई, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था, साथ ही उन्हें पद्म विभूषण इत्यादि पुरस्कार मिले, इसीलिए वे सहनाई के नायक के रूप में हमेशा पहचाने जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न की, तो आठवां प्रश्न यहाँ पे कविता से आएगा, यानी काव्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, जो कि पठित होगा आपकी क्षितिज की कविता आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, जो कि 6 नंबर की होगी, जिसमें कि 2-2 नंबर के 3 सवाल के उत्तर आपको देने होंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, मुख्य गायक का गला बैठ जाने पर उसकी क्या दशा होती है। दूसरा, आवाज से राख जैसा गिरने से क्या आशय है, क्या मतलब है। और इसका तीसरा प्रश्न, मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है, इसके भी आपको आंसर बताते हैं। तो आठवें प्रश्न का पहला आंसर इस प्रकार होगा, तार सप्तक में मुख्य गायक का गला बैठ जाने पर उसका उत्साह समाप्त हो जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ देती है और आवाज से राग जैसे कुछ गिरता हुआ मालूम होता है। इसका दूसरा आंसर होगा, आवाज से राग जैसे कुछ गिरने का मतलब है, आशय है आवाज में तेज ना होना या आवाज का तेज ना होना या आवाज बुझी हुई होना या आवाज बहुत कम होना, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इसका तीसरा आंसर आप लिखेंगे, मुख्य गायक को ढांढस संगतकार का स्वर बंधाता है, जो हताश निराश मुख्य गायक को फिर से गाने की प्रेरणा देता है। नौवां प्रश्न, इसमें भी आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि क्षितिज के कविता वाले भाग से पूछे जाएंगे और इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो 4 प्रश्नों के उत्तर आपको सबसे अच्छे से आते हों उनका आंसर आपको देना है। प्रश्न देख लेते हैं, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया। दूसरा प्रश्न, बेटी अभी सयानी नहीं थी में माँ की चिंता क्या है, कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। अगला प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर हो, ये भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। अगला है, संगतकार में त्याग की उत्कट भावना भरी है, पुष्टि कीजिए। और 5वां, छाया मत छूना कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि अतीत के सुखों की स्मृति में डूबे रहने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके आंसर आपको कैसे लिखने बताते हैं आपको। तो 9वें का जो पहला आंसर होगा, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले पर परशुराम बहुत क्रोधित थे,
परशुराम ने राजाओं को धमकाते हुए कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान उनका घोर शत्रु है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जिसने शिव धनुष को तोड़ने का अपराध किया है, स्वयं राजा या राज समाज से उसे अलग किया जाए, या उसे या वह स्वयं राज समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजाओं को वध कर दिया जाएगा। इस तरह से परशुराम सभी को धमकाने लगते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उक्त पंक्तियों में मां की चिंता यह है कि बेटी अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व है, वैवाहिक जीवन की समस्याओं से अभी अपरिचित है, वह इतना सम्मान कैसे कर सकेगी, वह सामाजिक कुरीतियों से अपना बचाव कैसे करेगी। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इसका जो तीसरा प्रश्न होगा वह होगा, इसका उत्तर आपको लिखना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर साहस और शक्ति से मानवता के व्यक्तित्व की गरिमा बढ़ती है, उसके साथ विनम्रता हो तो व्यक्तित्व या गरिमा में चार चांद लग जाते हैं। प्रस्तुत पाठ के आलोक में यह बात साबित होती है। जैसे परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी पराक्रमी दिखाई देते हैं, किंतु विनम्रता की कमी के कारण वे सम्मान प्राप्त न कर सके, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थे। दूसरी ओर अपमान करने वाले लक्ष्मण में साहस और शक्ति तो थी, पर विनम्रता के अभाव में परशुराम के प्रति कटु वचन या उक्ति से समाज ने उन्हें सम्मान का पात्र नहीं बनाया। वहीं श्री राम में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता थी, वे परशुराम को हे नाथ इत्यादि कहकर पुकारते थे, हे स्वामी कहकर के पुकारते थे। इससे श्री राम का गौरव परशुराम तथा सभा में उपस्थित सभी लोगों की नजरों में बढ़ गया, वे मर्यादा का पालन करने वाले पुरुषोत्तम कहलाए। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। चौथा प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से देना है। संगतकार में त्याग की भावना भरी होती है, वह मुख्य कलाकार से सक्षम होते हुए भी स्वयं को दबाए रखता है। संगतकार मुख्य कलाकार को संबल बनाते हैं, उसे भटकने से बचाते हैं, वे मुख्य कलाकार को बेसुरा नहीं होने देते, परंतु उन्हें जानता है, वे त्याग की प्रतिमूर्ति है। यानी कि संगतकार हमेशा ही मुख्य गायक से कम आवाज में अपनी आवाज को रखता है, अपनी आवाज को मुख्य गायक के साथ मिलाता है, और हमेशा ही वह पर्दे के पीछे से मुख्य गायक को आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको इनके आंसर लिखने हैं। पांचवा प्रश्न, जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति वर्तमान का सामना नहीं कर पाता है, स्मृतियां उसके वर्तमान के दुखों को दुगुना कर देती हैं, और यदि मनुष्य पुराने दुखों को याद करता जाएगा या सुखों को याद करता जाएगा तो दुख के समय में उसका दुगुना दुख बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दसवां कृतिका से है, जिसमें कि तीन प्रश्न हैं। आपको कोई भी दो प्रश्न करने होंगे जो आपको आते हैं। पहला, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। दूसरा, जनतंत्र में लोग प्राय किसी सरकारी नीति का विरोध करने हेतु सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते, ऐसा करना कहां तक उचित है। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो कोई भी दो प्रश्न आपको कैसे लिखने हैं। तो यहाँ पे कृतिका के दसवें का खा, जनतंत्र या लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन किया जाता है, इसलिए जनता का महत्व सबसे ऊपर है। सरकारी इमारतों या किसी भी सार्वजनिक स्थानों या सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसका कारण यह है कि सरकारी संपत्ति जनता के कर से प्राप्त पैसों से बना है। राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान से देश का धन नुकसान होगा, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार में अतिरिक्त पैसा खर्च होगा, इससे विकास कार्य बाधित होंगे। अतः सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला आचरण सर्वथा अनुचित है, ऐसा करना राष्ट्र विरोधी है। इसका गा, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाने की खबर को प्रकाशित करने की वजह समाचार पत्रों ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि समाचार पत्र उस घटना को कैसे छापते जिसमें
जिसमें देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया गया। तो इस तरह से कृतिका में आपको कोई भी दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब बात करेंगे खंड घ की, जिसमें 11वां प्रश्न निबंध से है और कई छात्र निबंध को बिल्कुल ही गलत लिखते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 निबंध दिए गए हैं, तीनों में से आपको कोई भी एक निबंध आपको लिखना होगा। जैसे पहला निबंध है स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, इसके अंतर्गत 3 हेडिंग है। प्रस्तावना, स्वच्छता का महत्व, वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ एवं लक्ष्य, और उपसंहार, यानी इन 5 पॉइंटों पे आपको लिखना होगा। यदि आप क्वेश्चन 11 में स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर निबंध लिखना चाहते हैं, यदि आपको यह निबंध नहीं आता है तो आप फिर खंड ख ऊर्जा की बढ़ती मांग समस्या और समाधान, इसमें भी आपके पास प्रस्तावना, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का समाप्त होना, नवीन स्रोतों की आवश्यकता, हमारी ऊर्जा पर निर्भरता और उपसंहार, 5 बिंदुओं पर आपको ऊर्जा की बढ़ती मांग समस्या और समाधान के निबंध में लिखना होगा। यदि आप इसे भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको ग सामाजिक संजाल सोशल नेटवर्किंग वरदान या अभिशाप, इसमें भी आपके पास निबंध के अंदर 5 बिंदु हैं। प्रस्तावना, सोशल नेटवर्किंग के लाभ, सोशल नेटवर्किंग से हानियां, उचित प्रयोग के लिए सुझाव और उपसंहार। तो कोई भी तीनों में से आपको एक ही निबंध लिखना है, लेकिन निबंध में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, कोई भी निबंध आप लिखें उनके बिंदुओं को या बिंदुओं के अनुसार ही आपको लिखना है। कई छात्र छात्राएं एक ही बिंदु पे पूरा 2 पेज लिख देते हैं और शेष बिंदुओं को नहीं लिखते हैं, जिसके कारण उनके निबंध में नंबर कटते हैं, या कई तो सीधे कोई भी बिंदु नहीं डालते, केवल निबंध का नाम डालते हैं और 2 पेज का निबंध लिख लेते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। निबंध कैसे लिखना है दिखाते हैं आपको। बात करते हैं निबंध की, तो यहाँ पे हमने खंड घ के अंतर्गत निबंध लिया है ऊर्जा की बढ़ती मांग समस्या और समाधान। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना में उस निबंध के बारे में थोड़ा सा प्रस्तावना में लिखना होता है, जिसमें 5 से 6 लाइनों में हम उसको लिख सकते हैं या लिखना चाहिए। मानव की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है ऊर्जा। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी ऊर्जा में आत्मनिर्भरता अति आवश्यक है, पर वर्तमान में भारत इस क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। इस तरह से आप प्रस्तावना लिख सकते हैं, या इसमें प्रस्तावना आप अपनी तरफ से और कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना में कम से कम 5 से 6 लाइनें आपको लिखनी है जो कि संबंधित निबंध से हो। अगली हेडिंग है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का समाप्त होना। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं इस समय हम ज़्यादातर ऊर्जा परंपरागत स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कुल उत्पादित ऊर्जा का 56% ताप बिजली से, 36% जल विद्युत द्वारा, 6% डीजल और गैस पर आधारित ऊर्जा से प्राप्त होता है। अभी भारत में जितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है उससे लगभग 4 गुनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। सरकार जब तक पिछली मांग की आपूर्ति की योजना को कार्यान्वित करती है तब तक मांग में नई वृद्धि हो जाती है, जिससे संकट ज्यों का त्यों बना रहता है और ऊर्जा की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इस तरह से आपको इस बिंदु से संबंधित ही पॉइंट के ऊपर लिखना होगा। जरूरी नहीं कि सेम आप ऐसे ही लिखें, लेकिन निबंध और बिंदु के हिसाब से वह मैच होना चाहिए। नवीन स्रोतों की आवश्यकता, इसके अंतर्गत आप इस तरह से लिख सकते हैं कुछ समय के बाद ये पारंपरिक स्रोत कोयला पेट्रोल इत्यादि समाप्त हो जाएंगे, ये स्रोत 30 वर्षों से ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष विश्व की आबादी में 10 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। इस बढ़ती आबादी से दुनिया को सर्वाधिक
खतरा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का समाप्त होता हुआ भंडार है। यातायात के साधनों को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होने लगा। बसों, ट्रकों, कार, स्कूटरों, मोपेडों सबको चलाने के लिए पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने के लिए विद्युत गैस एवं केरोसिन की अधिकांश मात्रा का उपयोग किया जाता है। अगला बिंदु है निबंध का, हमारी ऊर्जा पर निर्भरता। विश्व समुदाय के पास दो प्रकार के ऊर्जा के साधन हैं, एक संरक्षणशील साधन और दूसरा अक्षय। हम संरक्षणशील प्राकृतिक संसाधनों का ही अधिकांशतः उपयोग कर रहे हैं, जिससे साधनों के शीघ्र समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है। भारत अक्षय साधनों जैसे सौर ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, अल्कोहल निर्मित तेल के उपयोग एवं सीएनजी इत्यादि का जितना अधिक उपयोग कर पाएगा, विकास का मार्ग उतना ही प्रशस्त होगा। इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना है। अगला है उपसंहार। उपसंहार यानी कि किसी भी निबंध का कंक्लूजन, उस निबंध से संबंधित आपको उपसंहार के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, विश्व समुदाय के पास भी ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को खोजने की आवश्यकता है एवं सभी राष्ट्र मिलकर इस पर समन्वित प्रयास कर इस ऊर्जा संकट से निपट सकते हैं। ऊर्जा के अपव्यय पर अंकुश लगाकर भी हम इस दिशा में सार्थक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ऊर्जा की सही मांग को पूरा करने के लिए हमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। तो इस तरह से यह निबंध का उपसंहार होगा, या इसके अनुसार आप कुछ भी उपसंहार लिख सकते हैं, लेकिन आपको निबंध में ध्यान देना है, सभी बिंदुओं पर आपको निबंध के अनुसार, बिंदुओं के अनुसार जरूर लिखना है। 12वें प्रश्न की बात करेंगे तो 12वां प्रश्न है पत्र से संबंधित, जिसमें कि पहला है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को सताते हैं, इस समस्या के बारे में प्राचार्य जी को पत्र लिखकर बताइए और कोई उपाय भी सुझाव दीजिए या कोई उपाय का सुझाव भी दीजिए, अथवा आज दिन प्रतिदिन सूचना और संचार माध्यम लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं, ऐसे में पत्र लेखन पीछे छूटता जा रहा है, पत्र लेखन का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पत्र औपचारिक है, दूसरा अनौपचारिक है। यहाँ पे अथवा दे रखा है, तो दोनों में से आपको कोई एक पत्र करना है जिसे आप अच्छे से लिख सकें। तो बताते हैं आपको अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण। तो अनौपचारिक पत्र में सबसे ऊपर जो लिखता है पत्र, वह अपना एड्रेस लिखता है, जहाँ भी आप रहते हैं वह अपना एड्रेस लिख सकते हैं, अपने घर का एड्रेस और जगह का एड्रेस लिख सकते हैं, फिर दिनांक, फिर मित्र को संबोधन, और उसके बाद इस तरह से आप बीच का या बीच की विषय वस्तु को लिख सकते हैं, जैसे मोबाइल पर तुम्हारा मैसेज मिला, समाचार मालूम हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, इसकी उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। इस आधुनिक युग में मेरा पत्र पाकर आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि सूचना और संचार के इस आधुनिक में भला कौन पत्र लिखता है, किंतु मैं पत्र लिखना नहीं छोड़ना चाहता हूँ, और मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम भी पत्र लेखन की इस अद्भुत कला को मत छोड़ना। पत्र लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण कला है, इसका प्रभाव अस्थाई होता है, साथ ही साथ इसमें अभिव्यक्ति कौशल दिखाई देता है। पत्र लेखन की कला में सहजता, स्पष्टता, मौलिकता, रोचकता इत्यादि गुण इसे अविस्मरणीय बनाते हैं, अतः मित्र तुम भी इस लेखन से जुड़े रहो, पत्र लिखते रहना, शेष कुशल है या शेष मिलने पर, तुम्हारा प्रिय मित्र मयंक। तो इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र लिखा गया है, आपको भी कुछ इसी तरह से पत्र लिखना है अनौपचारिक का, या यदि आपको औपचारिक पत्र भी आता है तो आपको औपचारिक पत्र भी आप लिख सकते हैं। बात करते हैं इस प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न की,
जो कि विज्ञापन लेखन से है। इसमें प्रश्न है, आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा आपकी बड़ी बहन ने एक संगीत सिखाने की संस्था खोली है, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पे अथवा है, दोनों में से आपको एक पर विज्ञापन बनाना है। आपको विज्ञापन कैसे बनाना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो विज्ञापन में हमें कैसे विज्ञापन बनाना है, हमने विश्व पुस्तक मेले के ऊपर विज्ञापन यहाँ पे बना रखा है। आप दोनों में से कोई भी विज्ञापन बना सकते हैं। और विज्ञापन के लिए आपको चित्र भी बन सके तो बहुत ही अच्छा। देखिए, हमने यहाँ पे विश्व पुस्तक मेले के ऊपर विज्ञापन बना रखा है, जिसमें कि यह कब से कब तक होगा, इसका कौन सा संस्मरण होगा, कहाँ होगा और समय क्या होगा, इसका शुल्क कितना होगा, कितने इसमें प्रकाशक आ रहे हैं और यहाँ पे पुस्तक का भी चित्र बना रखा है। तो विज्ञापन आपको ऐसा बनाना है जो दिखने में अच्छा लगे, लेकिन समय का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। कई छात्र विज्ञापन में बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग करने लगते हैं, जिसमें कि उनके प्रश्न विज्ञापन के चक्कर में छूट जाते हैं। तो इसलिए विज्ञापन को करते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। और ज़्यादा आपको डेंटिंग पेंटिंग नहीं करनी है, जो आप आसानी से चित्र बना सके उसे बनाना है। और आसानी से आपको इस तरह से उसके बारे में कुछ लिख देना है। तो यह विज्ञापन आपको इसी तरह से आप विज्ञापन बना सकते हैं, और बॉक्स के अंदर आपको विज्ञापन को बनाना होगा। और विज्ञापन से संबंधित हमने एक वीडियो आपके लिए बनाई है, उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहां से भी देख करके विज्ञापन से संबंधित बहुत सारे विज्ञापनों के उदाहरण को देख सकते हैं। विज्ञापन में क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ लिखनी है, वो सब उस वीडियो में हमने आपको बता रखा है। तो इस तरह से यह पूरा पेपर हमने हल किया। इस प्रश्न पत्र के पूरे उत्तरों को अब हम देख लेते हैं। आपको मैं शुरू से दिखाना चाहता हूँ कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में अपने उत्तरों को लिखना है, और ये भी बताना चाहूँगा आपको कि आपके नंबर कहाँ कटते हैं। तो नंबरों को कटने की जहाँ तक बात है, नंबर यदि आपने उत्तर सही नहीं लिखा है, गलत उत्तर लिखा है, तो आपके नंबर कटेंगे। आधे अधूरे उत्तर लिखने से नंबर कटते हैं, गलत उत्तर लिखने से आपके नंबर कटते हैं। आंसर को लिखते समय सटीक आंसर होना चाहिए, चाहे वह कम शब्दों में हो, लेकिन जितने शब्द सीमा है उसके अंदर उतना कम से कम तो लिखा हुआ होना ही चाहिए। तो देखिए, पूरा सैंपल पेपर है यहाँ पे, और आपको पेपर को हमेशा ही सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले खंड का, इसके प्रश्नों के उत्तर को सीक्वेंस में लिखा गया है, एक एक लाइन छोड़ी गई है, जिससे दिखने में भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद खंड खा, जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे, ये भी बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा गया है। उसके बाद व्याकरण से संबंधित अगला प्रश्न था, इसको भी सीक्वेंस में लिखा गया है। फिर चौथा प्रश्न, कई छात्र इसी तरह से गलतियां करते हैं, उनके सीक्वेंस में नंबर लिखना भूल जाते हैं। पांचवा प्रश्न, ये हमने सीक्वेंस में लिखा है, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही लिखा जाए, लेकिन आप कोशिश करिए कि अपने पेपर को सीक्वेंस में ही करें, इसमें आसानी होती है। आप चाहें तो जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा आता है उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सीक्वेंस में लिखना माना गया है, या खंड के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। यदि आपको खंड ग आता है तो आप खंड ग से भी शुरुआत कर सकते हैं, और ग के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं आप उन्हें करिए, लेकिन सीक्वेंस को न भूलें। यानी खंड ग के अंदर अगर आप खंड का एक प्रश्न डाल देंगे तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, तो सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है। और प्रश्नों के नंबर आपको जरूर डालने हैं एग्जाम में। कई छात्र आंसर
लिखते हैं, उत्तर को लिखते हैं, लेकिन प्रश्न संख्या और उसका उपभाग नहीं लिखते हैं या जल्दबाजी में भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये पेपर देखिए पूरे सीक्वेंस में लिखा गया है, इसका आंसर एकदम सटीक और सीक्वेंस के अनुसार लिखा गया है। इस पेपर को जो हम आपको दिखा रहे थे उसके पूरे आंसर एक साथ हैं। इस तरह से खंड घ, खंड घ में निबंध, उसकी प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा प्रश्न आपको समझ में आया और सबसे अच्छा लगा, कौन सा प्रश्न आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। यदि आपको कोई भी प्रश्न में कोई समस्या है, समझ नहीं आया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका कोई सुझाव है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कक्षा 10वीं के व्याकरण से संबंधित वीडियोस को आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इस पेपर को भी आप हल करें, हम सैंपल पेपर का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं कोई नई जानकारियों के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।